पार्टिकल, ओके, उसका मास के उसका चार्ज, ओके, और उसका ई बाय एम रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज। इसको हम लोग ई बाय एम रेशियो भी बोलते हैं। तो क्लास सबसे पहला, ओके, तो क्लास सबसे पहला पार्टिकल देखते हैं हम लोग। ओके, पहले इसका मास। तो क्लास सबसे पहला पार्टिकल देखते हैं इलेक्ट्रॉन। एनीबडी नो इलेक्ट्रॉन का मास? इलेक्ट्रॉन का मास बाहर है आपको? अप्रोक्सीमेट जीरो। यस अप्रॉक्सीमेट जीरो है, पर एग्जैक्ट कितना है? तो क्लास याद रखो, बहुत बार लगेगा हम लोग को। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 0.00045 46 डाल्टन। को डाल्टन मालूम है? यस यस 0.00546 डाल्टन, अप्रोक्सीमेटली जीरो, राइट? ओके, वही आपको किलोग्राम में चाहिए तो 9.1 इंटू 10^-31 किलोग्राम, ठीक है। क्लास अगर रिलेटिव टू प्रोटॉन देखेंगे लोग, रिलेटिव मास, तो क्लास एक इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से एनीबॉडी 1837 टाइम्स कम होता है, राइट? तो प्रोटॉन से कंपेयर करो तो इलेक्ट्रॉन का मास 1/1837 एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो क्लास तीन तरीके से मास लिखे हम लोगों ने, एक डाल्टन में, एक किलोग्राम में, और एक दूसरा रिलेटिव टू प्रोटॉन, राइट? ओके, क्लास व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? अप्रोक्स वन वन जीरो जीरो सेवन टू एट सेवन टू एट वेरी गुड। क्या होता है? डाल्टन, राइट? वही अगर आपको किलोग्राम में चाहिए तो 1.673 इंटू 10^-23 किलोग्राम, ठीक है। और रिलेटिव मास देखेंगे प्रोटॉन का तो हम लेते हैं 1, गुड। ओके, प्लस न्यूट्रॉन का मास देखेंगे। ओके, एनीबडी नो डाल्टन में 1.1008 8 6 लेते हैं हम लोग, 8 6 अप्रोक्सीमेटली। चले कुछ बुक में 9 लिखता है, प्लस यहाँ तक आपका करेक्ट होगा तो पिछला 1.008 तक ठीक होना चाहिए, राइट? आगे जीरो कुछ लगा जगह पे सिक्स लिखेंगे कुछ, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखा मैंने जो रेफरेंस बुक में होते हैं। तो 1.008 6, ठीक है। अगर आगे भी जाना है तो 5, इतना ज़्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है। डाल्टन, ओके, उसका मास होता है किलोग्राम में 1.675 इंटू 10^-23 के जी। रिलेटिव कितना होगा? गेसेस करो, व्हाट गेस? ओके, तो क्लास एक पहला क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, इन तीनों में सबसे हैवी पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है, पर फिर भी न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी है, किससे? प्रोटॉन से। प्रोटॉन से। मास की बात हो गई, चार्ज। ओके, क्लास व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? -1.6 10^-19 what? Coulomb. Coulomb. Proton का mass? +1.602 10^-19 Coulomb. Neutron का charge? Zero. Okay. Plus proton का charge Dalton में. Okay. Electrostatic unit. आपने नाम सुना है electrostatic unit? आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में चार्ज चाहिए तो -4.8 × 10^-10 कितना होता है? -4.8 × 10^-10 प्लस गेस करो प्रोटॉन का कितना होगा? आपको मालूम है कितना होगा? 4.8 × 10^-10 प्लस 4.8 × 10^-10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, राइट? और न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता है नहीं, जीरो जीरो।
प्लस अगर मैं बोलता रिलेटिव तो आपका रिलेटिव में आंसर क्या आएगा? माइनस वन आएगा. माइनस वन आएगा. वेरी गुड. इसका प्लस वन. प्लस वन. इसका जीरो. सर ईएमयू भी रहता है ना? क्या ईएमयू? ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट. हाँ चलेगा वही सेम. इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेम होता है. ठीक है. ओके क्लास बाद में स्पेसिफिक चार्ज. क्लास ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. स्पेसिफिक चार्ज मतलब उसका चार्ज अपॉन मास का रेशियो. ठीक है. तो क्लास अगर हम लोग फाइंड करेंगे कूलम पर ग्राम में तो क्लास इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो है 1.76 इंटू 10^8 कूलम पर ग्राम. ठीक है. प्रोटॉन का है 9.58 इंटू 10^4 राइट. ओके न्यूट्रॉन का कितना क्या लगता है आपको? जीरो. जीरो क्योंकि चार्ज जीरो होता है तो चार्ज अपॉन मास रेशियो सीधे जीरो आएगा राइट. तो क्लास तो आपके लिए शायद ये नया था राइट. कौन सा स्पेसिफिक चार्ज बराबर है? यस. तो क्लास एक सिंपल क्वेश्चन पूछता आपको मैं. चलो ये सब ने आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो ये डाल्टन में मास है, ये केजी में मास है और ये रिलेटिव मास है. बराबर है क्लास? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो क्लास एक क्वेश्चन पूछता हूँ. देखो अभी आपको क्लास हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज को उसके मास से डिवाइड किया तो हमें चार्ज बाय मास रेशियो मिला इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का. तो एक क्वेश्चन है आपके लिए. मुझे बताओ मेरे पास प्रोटॉन है, मेरे पास न्यूट्रॉन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास अल्फा पार्टिकल है. तो इन सब में चार्ज अपॉन मास रेशियो सबसे ज़्यादा किसका होगा? चार्ज अपॉन मास रेशियो सबसे ज़्यादा किसका होगा? अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल का सबसे कम होगा. क्लास व्हाट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन? प्लस वन राइट. प्लस वन. मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली वन डाल्टन. चल डाल्टन में लेते हैं. ठीक है. न्यूट्रॉन का जीरो. जीरो. एंड मास अप्रोक्सीमेटली वन डाल्टन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस वन. और सिर्फ चार्ज लेना हमें का मैग्नीट्यूड लेना. ठीक है. मैग्नीट्यूड सिर्फ वन. इसका मास 0.12354 डाल्टन राइट अप्रोक्सीमेटली. ओके एंड क्लास अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है प्लस टू राइट. प्लस टू. और मास होता है 4 डाल्टन. अल्फा पार्टिकल Hc2+. तो चार्ज प्लस टू है मास 4 है. तो क्लास इस सब में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है चारों में? प्लस वन बड़ा या प्रोटॉन? क्लास प्रोटॉन नहीं. क्लास मैथमेटिक्स देखो अगर आप 1 को 0.0054 से डिवाइड करो क्लास इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/5.4×10^-4 लिखता हूँ. चलेगा ऐसा लिख सकता हूँ मैं? यस. क्लास 1.5 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1/5 0.2 आएगा. अरे माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो क्लास ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2000. प्लस वन बड़ा है इलेक्ट्रॉन. समझ रहा है क्लास? JEE में ऐसा कुछ सब होता है. आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. तो क्लास आपको मासेस किलोग्राम में आप डाल्टन में लेके भी कर सकते हो. तो आपको चार्ज मालूम है मास मालूम है रेशियो लो और देखो कंपेयर करो क्या चार्ज अपॉन मास रेशियो ज्यादा है. आपको ये नंबर बाहर करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है. अगर नंबर में ही क्वेश्चन पूछा दीदी हवा पे से लड़ाई है. यू हैव टू डू दिस. ओके एक मैडम मैं ये बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हवा आ रहा है. गिव मी 1 मिनट. हेलो स्टूडेंट्स आवाज आ रहा है? हाँ सर. एक्चुअली पूरा ये बज रहा था घर में बहुत ज्यादा हवा आ रहा है. हाँ
प्लस के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. हाँ, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. तो क्लास व्हाट इज डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली, याद रखो वैल्यू. डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली 10^-15 मीटर. ठीक है, ये न्यूक्लियस का डायमीटर का साइज है अप्रोक्सीमेट. एवरीवन याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है. मेरा आवाज आ रहा है हम लोग को? हाँ हाँ. डायमीटर ऑफ एटम एनीबडी अप्रोक्सीमेटली 10^-10 मीटर. ओके, तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10^-15 मीटर होता है, डायमीटर ऑफ एटम 10^-10 मीटर होता है अप्रोक्सीमेटली, याद रखेंगे हम लोग. प्लस नेक्स्ट थिंग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. जेडब्ल्यू के लिए स्पेशली रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर, तो आर होता है 1.4 × 10^-13. अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए किसी एटम का तो 1.4 × 10^-13 इंटू ए रेस टू 1/3. ए स्टैंड फॉर मास नंबर ऑफ दैट एटम. ठीक है, ए क्या होता है उस एटम का मास नंबर. तो क्लास अगर पूछता हूँ व्हाट इज रेडियस ऑफ C12, तो क्लास एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है. प्लस सी ट्वेल्व का रेडियस कितना होगा बोलो आप? आर इज इक्वल टू, मेरा आवाज आ रहा है बच्चे लोग? कैलकुलेशन नहीं पूछा, कोई फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1.4 × 10^-13 इंटू ए रेस टू 1/3 रहेगा याद. हर एटम का 10^-10 मीटर रहेगा डायमीटर? नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेट है वो डायमीटर, ये सब अप्रोक्सीमेट है, मतलब इस रेंज में होता है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, उसके आजू बाजू रहता है. रफली डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10^-15 मीटर, एंड रफली डायमीटर ऑफ एटम इज 10^-10 मीटर. और आपको ज्यादा एक्यूरेसी में चाहिए तो ये फॉर्मूला है किसका, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड करने का. रेडियस आएगा तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा उसका? डायमीटर में मिलेगा डायमीटर. ओके, तो क्लास नेक्स्ट थिंग वाज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, राइट? यस, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हमने सीखा था, रदरफोर्ड मॉडल सीखा था. ओके, क्लास के ड्रॉबैक किसको याद है? ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. ठीक है, तो क्लास रदरफोर्ड ने क्या प्रूव किया था, चलो वो भी देख लेते हैं. रदरफोर्ड बोलता है एवरी एटम कंसिस्ट्स ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस. यस यस, इलेक्ट्रॉन्स आर lighter revolving planets around revolving the around the nucleus. In circular path called as the orbits. So electrons are revolving in different orbits. Barar hai? Etc. So plus Rutherford ke model ka, Rutherford ke model bolta hai, atom consists of nucleus at the center and electrons are revolving around nucleus in circular path. There is lot of empty space between nucleus and electron. Barar hai? Dikh raha hai aapko bahut sara empty space? Yes. Nucleus is extremely small, nucleus is tiny, heavy. And almost entire mass of atom is present in the nucleus. Yes. Mass of electron is negligible. बराबर है? Yes. तो देखो मैं revise, आपने बोला revise करो इसलिए बहुत fast बोल रहा हूँ मैं. अगर आपको लगता है बहुत fast है बोल दो, मैं थोड़ा slow कर देता हूँ. Actually सब चीजें हमने सीखी है, बराबर ना? Yes sir. हाँ, तो class सबसे पहला drawback क्या है इस model का? कि electron is a charged particle, right? And when any charged particle revolves, it keeps on losing its energy. So electron charged particle hai, nucleus ke around ghum raha hai. So since it is charged particle, it must keep on losing its energy. Agar uska energy kam hoga to kya hoga? Uska distance from nucleus also goes on decreasing. It should follow spiral path fall inside the nucleus. So plus uske liye time lagega 10^-10 second. Ye proof bhi diya tha मैक्सवेल ने, बोलता इतने कम समय में इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस. पर ऐसा कभी होता है क्या? नो नो, ऐसा कभी नहीं होता. मतलब मॉडल में कुछ गड़बड़ है, राइट? यस, इलेक्ट्रॉन नेवर फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस. प्लस इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो मैक्सवेल बोलता है चार्ज पार्टिकल अगर घूमेगा तो क्या करेगा? उसका एनर्जी कम होगा तो उसका स्पीड कम होगा. स्पीड कम होगा तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस गोज ऑन डिक्रीजिंग. अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनसाइड द Nucleus within 10^-10 second, right?
ऐसा कभी भी नहीं होता, बराबर है? Never happens. Electron never falls inside the nucleus. Plus, if electron continuously keeps on losing energy, what should be nature of spectra? I hope spectra सबको अभी भी याद है. Continuous होगा. Continuous होगा. Continuous होगा, right? क्योंकि electron क्या कर रहा है? Continuous energy क्या कर रहा है? Plus, release कर रहा है. तो plus spectra क्या होता है? जो energy electron lose करता है, उसका क्या draw करना? Signals draw करना, right? Yes. If electron keeps on losing energy continuously, you should get continuous signal. The plus we call the spectra as what? Continuous spectra, right? या फिर band spectra. Band spectra. तो दुनिया में एक भी atom का spectra band spectra नहीं है. Spectra is always discontinuous, right? Discontinuous. The form of line. So it is called as the line spectra. Line spectra. तो क्लास ये दोनों भी चीज़ें Bohr model explain नहीं कर पाया. तो क्लास अगर MCQ में क्वेश्चन आता है what are limitations of Bohr model? Rutherford model. तो आपका पहला limitation क्या है? Electron is a charged particle. Continuously keeps on losing energy, so its energy should go on decreasing. So its distance from nucleus also should go on decreasing. Ultimately, electron should fall inside the nucleus. But it never happens, right? Yes. Right. Drawback. Second drawback: since electron is continuously losing energy, okay, the spectra must be continuous. Continuous. But spectra of any atom is not discontinuous. It's actually discontinuous. बोर क्या होता है? एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, राइट? इट नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन्स एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन जब तक किसी ऑर्बिट में क्या कर रहा है? घूम रहा है, ना तो एनर्जी लूज करता है ना तो एनर्जी गेन करता है, राइट? ओके, तो क्लास एनीबडी नो टू फाइंड फॉर्मूला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट? सबसे इंपॉर्टेंट -2.179 into 10 raised to minus 18 minus 2.179 plus minus 13. 6 into z square upon n square. ओके, तो क्लास ये फॉर्मूला कौन से एटम के लिए एप्लीकेबल है? बोलो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीच, राइट? हाइड्रोजन लाइक आइटम जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन. कैन यू टेल मी व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट फॉर Li 2 प्लस? पहली बात, Li 2 प्लस के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है या नहीं पहले बताओ. एप्लीकेबल है. उसका स्क्वायर, राइट? अपन हमने कौन से शेल में बोला? थर्ड शेल. -13.6 आएगा, राइट? यस यस. ओके, प्लस ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी द एनर्जी ऑफ थर्ड शेल इज सेम एज एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल इन हाइड्रोजन? फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी Li2+. आपको क्वेश्चन समझा मैं क्या बोला वो? Yes. Yes. So what is energy of electron in hydrogen first shell? -13.6 electron volt upon 1 square upon 1 square. Barar hai? Chalo 1 1 cancel barar hai? Yes. So bachega kya minus 13.6. Plus to hydrogen ka energy first shell mein, right? Aur lithium ka energy third shell mein, dono bhi kya hai?
same I hope it is clear. Yes. So formula baad hai, sabko formula baad hai, nahi to abhi kar lo. So energy of electron in n shell kya hota hai? Minus 13.6 into z square upon n square upon n square. और दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपको आंसर जूल में चाहिए तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन शेल, एनीबॉडी रिमेंबर द फॉर्मूला? -2.7 -18 -18 वेरी गुड इनटू z² / n n क्या जूल. ओके प्लस अगर यही पूछा था, अगर पूछा था जूल पर आइटम में, तो जूल पर आइटम में पूछा तो यस मैं क्लियर रखता हूँ. मुझे आप नेक्स्ट टाइम आंसर देना, व्हाट विल एनर्जी फॉर जूल पर आइटम. ओके यू आंसर मी नेक्स्ट टाइम. ओके ये मैंने जूल में फाइंड किया, अगर जूल पर आइटम में पूछते तो आप क्या करते? मेरा आवाज आ रहा है ना सब लोग को? यस ओके नो प्रॉब्लम. प्लस किलोजूल में पूछा तो बहुत सिंपल है, हाउ टू कन्वर्ट जूल टू किलोजूल? Into 10 raised to 3. 10 raised to minus से बच्चे लोग. हाँ 10 raised to minus 3. छोटे इनको बड़ा यूनिट कर रहे हैं हम लोग ना? Yes. Yes. छोटे इनको जब बड़ा यूनिट करते तो माइनस पावर आता है, बराबर है? तो अगर ये आंसर को किलोजूल में चाहिए होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करते, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. एनी डाउट यस? प्लस नेक्स्ट चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है. माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, डू यू नो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी? सुना है नाम? कोई पूछता है कैसे करोगे? तो क्लास ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बुक में किधर भी नहीं है ये, और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे, तो ध्यान दो. आयनाइजेशन energy of an atom is equal to uska energy infinite state mein minus uska energy first state mein. So plus energy in infinite state is always zero, right? So minus even. Okay. So plus main example puchta aapko, what is आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल आई टू प्लस? तो क्लास आपका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? -13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. हां तो क्लास का फॉर्मूला होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू बोलो माइनस ई वन ना? यस बराबर है चलो माइनस ई वन. वेरी बहुत सिंपल है, पर एक्चुअली समझ लो, अगर आपको लॉजिक नहीं समझा तो मुझे वापस पूछ लो. तो माइनस क्लास व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम? माइनस 13.6 इनटू 1 स्क्वायर बराबर है? नहीं 1 नहीं, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर. प्लस सच में समझ रहे आपको? प्लीज बोलो. यस मतलब माइनस माइनस फाइव क्या हो जाएगा? प्लस होगा राइट? तो 13.6 इनटू 9 जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आयनाइजेशन एनर्जी किसका? लिथियम का. तो प्लस किसी भी आयन का आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा तो क्या करना है उसका? उसका फर्स्ट शेल का एनर्जी फाइंड करो, उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस बिकम प्लस. प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके क्लास एक मिनट, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव. प्लस रीजन क्या है व्हाई पॉजिटिव? ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ता है, हमें देना सप्लाई पड़ता है. वेरी गुड, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन राइट? तो आप इतना एनर्जी दोगे तो आप क्या कर पाओगे? मोस्ट क्लोजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन लिथियम से निकाल पाओगे. एग्री? यस यस ओके. नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस रिलेशन देखते हैं किसी और का. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हम लेते कितना है? ई लेते हैं, समझो कितना लेते हैं? ई लेते हैं, ठीक है? तो प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अदर H like atom, बराबर है? Example बोलो.
He plus L, H plus B, 3 plus. H, very good. H like? Efficient. Will be equal to E into Z square. ठीक है? कितना होगा E into Z square. क्लास देखो, सिंपल लॉजिक है. अगर मैं आपको पूछता हूँ, what is ionization energy of hydrogen? आंसर क्या आता? I of hydrogen. Minus 13.6. So minus 13.6. Minus E1, right? 13.6. Minus of minus 13.6 into 1 square, right? Upon 1 square. Upon plus 13.6. Plus what is ionization enthalpy of lithium? Li plus 2 हमने find किया अभी. Minus 13.6 into 9. बराबर है? Yes. तो क्लास क्या ये वैल्यू? तो क्या ये वैल्यू हाइड्रोजन का एनर्जी से z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का आ रहा है? हाँ या ना? Yes. What is z of lithium? 3 ना? 3 स्क्वायर कितना होता है? 9. 3 स्क्वायर इसमें नहीं समझा आपको? क्लास ये समझा नहीं समझा? तो अगर आपके पास हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी है और किसी और का फाइंड करना है, सिंपल फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजन का अगर E है तो उसका कितना होगा उस एटम का? E into Z square. क्लास ये लिख लो किधर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये लिखा आप लोगों ने, ये वाला पढ़ या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो. आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम E इनफिनिटी माइनस E1. इनफिनिटी हमेशा जीरो होता है, E1 हमें इवन तो हमें फॉर्मूला से आता है, राइट? तो माइनस साइन डालोगे तो प्लस आ जाएगा, बराबर? ये तो क्लियर है सब लोग को? यस सर. ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना? हाँ, हमेशा फर्स्ट. हाँ, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड नहीं करेंगे हम लोग. फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट. ओके, फॉर्मूला ओके. तो क्वेश्चन एक्चुअली होना चाहिए फर्स्ट. यहाँ पे मैंने लिखा ना, यहाँ पे ये फर्स्ट के लिए फॉर्मूला है. फर्स्ट यहाँ पे लिखना जरूरी है. चलो देखो, जब ना बोल एक्चुअली कैसा ना, क्या इट इज अंडरस्टूड व्हेन आई से आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज फर्स्ट. जब तक आप ये नहीं करते, स्पेसिफाई नहीं करते कौन सा, तो हमेशा कौन सा लेना पड़ता है? फर्स्ट. तो अनलेस इट इज स्पेसिफाइड कौन सा, तो हमें बाय डिफॉल्ट कौन सा लेना है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, क्लास एक फॉर्मूला याद रखो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंथ ऑर्बिट, हमने ये भी लिखा. देखो कितने फॉर्मूले लिखे हैं, ये वाला लिखा बड़ा, उसका जो है जूल वाला लिखा. क्लास एक फॉर्मूला और देखो, तो ये आपको फिजिक्स में इस साल 12th में आपको इसका डेरिवेशन है. तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंथ ऑर्बिट इज माइनस, आपको फिजिक्स में प्रूव करना है पर क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आ सकता है. ई रेस टू 4 इंटू एम इंटू k square upon h square into z square upon n square. Class एक बार से देख लो, आपको उसको हाइट मत करो, एक बार देख लो कैसा फॉर्मूला है. हाँ, क्लास k क्या होता है? क्या होता है? 1 upon 4 pi epsilon naught. कभी सुना epsilon अपने फिजिक्स में? क्लास यस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. यस, तो क्लास ये फॉर्मूला है आपके पास. ये बहुत कम यूज होगा पर फिजिक्स में आप ये सीख लोगे. एनर्जी ऑफ, तो एक्चुअली ये फॉर्मूला है ना, इलेक्ट्रो जूल वगैरह. तो हमने क्या किया है सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ ये पाई का, ई का, एम का, के का, एच का, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया सबका. तो क्लास ये सब वैल्यू कितना आता है बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? पूरा ब्रैकेट का वैल्यू कितना आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? माइनस 13.6. तो बचा क्या? z square upon n square. I hope it is clear. Yeah. Yes. Right, instead of putting values in electron volt, if I put values in SI unit, तो मुझे ये सब value किस में आएगा? Joule में आएगा. कितना आएगा? Minus? Minus 2.178 into 10 to minus 18. In आएगा. I hope it is clear. तो h क्या है? H square. H is Planck constant. H ना? Planck. H stand for Planck constant. Value कितना है h का? 6.625 into 10 raised to minus 34. बहुत बार लगता है. ओके, क्लास याद है? ठीक है. नेक्स्ट फॉर्मूला है रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट. एनीबडी रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट का फॉर्मूला किसको याद है? रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट 0.529 into n square upon z. 0.529
529 into n square on z upon z क्या angstrom बराबर है minus sorry 0.529 into n square upon z angstrom radius of nth orbit okay इसके हम लोग क्वेश्चन अभी देखेंगे थोड़े टाइम में तो बड़े velocity of nth orbit velocity 2.18 into 10 raise to 6 into z upon n meter per second बराबर है velocity of electron nth orbit क्या formula है लाल बोलो मेरा आवाज आ रहा है 2.18 into 10 to 6 upon n okay क्लास एक क्वेश्चन और होता है जेडब्ल्यू में अगर अपने बुक में इसका कोई भी रिलेशन बुक में किधर भी लिखा नहीं है तो क्लास इफ आस्क यू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड मेड बाय इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस प्लस कोई सोचेगा लॉजिकली कितने होने चाहिए एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने रिवॉल्यूशन करता है अराउंड न्यूक्लियस यस क्लास आवाज आ रहा है मेरा क्लास टेंशन मत लो आपको नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग में किसी को स्टार्ट नहीं आता कोई ऐसा डायरेक्ट दिमाग कोई ऐसा डायरेक्ट ब्रेन में कुछ किसी जाता नहीं हमें पहले सीखना पड़ता है कैन यू हियर मी पहले इतना बताओ मेरा आवाज आ रहा है आपका यस सर यस हां प्लीज क्योंकि एकदम शुभ लग रहा है v अपॉन 2 पाई r v अपॉन 2 पाई r 2 पाई r व्हाट इज v वेलोसिटी वेरी गुड वेरी गुड देखो ये सब क्या था लॉजिक था ना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या क्या पहले कभी सीखा कहां पे पढ़ा था ये नो सर वेरी गुड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन circumference right? circumference of the orbit what is circumference of orbit aapne abhi bola 2 pi r barabar 2 pi r very good sir bhai iske upar bhi question hamare paas hai mcqs mein dekhenge okay next is हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा तो ना सेनी बड़े हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का फॉर्मूला किसी को अभी भी याद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था आपको नोट्स में भी दिया था मैंने वन अपॉन लैम आर जेड स्क्वायर वन अपॉन n1 square minus 1 upon n2 square n2 square very good class where pe r is constant called as rydberg constant kya hai r ka hum log rydberg constant okay uska value exam mein provide karte hain fir bhi yaad rakho acha baat hoga to r ka jo hota hai 1.09737 क्लब 1.09 तक आता तो भी काफी है इनटू 10 रेस टू 7 पर मीटर ओके तो क्लब व्हाट इज n1 n1 क्या होता है लोअर शेल राइट एंड n2 क्या होता है हायर शेल तो क्लब अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से जंप करता है समझो फिफ्थ शेल में क्लास यहाँ पे n1 मतलब फर्स्ट नहीं n1 मतलब लोअर शेल n2 मतलब हायर शेल बराबर है हाँ अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फिफ्थ में जंप करता है क्लास आपका 1 अपॉन लैम्डा वैल्यू क्या आएगा बोलो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू बोलिए कितना आएगा हाँ क्लास फॉर समझो मैं लिखता हूँ फॉर Li2+ हाँ तो क्लास यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना आएगा 3 एटॉमिक नंबर कितना 3 बराबर है हाँ तो क्लास तो सबसे पहले आपके पास आर है 1.09737 इंटू 10^7 राइट एटॉमिक नंबर लिथियम है कितना 3 है तो अपॉन इंटू 3 स्क्वायर बराबर है इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन व्हाट इज n1 वैल्यू
टू स्क्वायर माइनस होगा टेन टू वैल्यू फाइव प्लस उससे आपको लैम्बडा मिल जाएगा बराबर है क्लास इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से जब इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड शेल से कहाँ पे फिफ्थ शेल में क्या करता है जंप करता है जंप करता है तो वो कौन से वेवलेंथ का लाइट क्या करता है एब्जॉर्ब करता है राइट तो लैम्बडा आर यू गेटिंग क्या बोल रहा हूँ मैं यस आपको क्या मिल रहा है लैम्बडा लैम्बडा मतलब क्या इलेक्ट्रॉन जो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है कहाँ से कहाँ पे जंप करने के लिए सेकेंड से सेकेंड टू फिफ्थ फिफ्थ में तो उस लाइट का वेवलेंथ कितना है लैम्बडा तो हम लोग इस फॉर्मूला से यूज करके फाइंड कर सकते हैं दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन शेल टू अदर शेल तो दिस इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला एनी डाउट हियर प्लस आपको कुछ पूछना है प्लस आप चुप बैठे तो मुझे लगता है आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है या फिर सब समझ रहा है मैं क्या अज्यूम करूं समझ रहा है आप बोलो समझ रहा है यस 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 तो वन ऑफ क्लास फॉर्मूला बाहर हो गया सब लोग क्लास पहले फॉर्मूला बाहर करो क्लास एमसीक्यूज में फॉर्मूले नहीं आते कुछ नहीं फायदा आपको कितना भी कंसेप्ट मालूम है आप फॉर्मूला नहीं कर यूज कर पाओगे कंसेप्ट कुछ काम का नहीं या तो आंसर करेक्ट होता है या तो रॉन्ग होता है बोलो फॉर्मूला बाहर हो गया सब लोग को यस ओके क्लास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में जम करता है कहां से सेकेंड से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से या किधर से भी क्लास वो सब लाइन को कौन सा स्पेक्ट्रा बोलते हैं लाइमन लाइमन बोलते राइट लाइमन कितना है वन और एन टू कितना है टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक्सेट्रा बराबर तो ऊपर के फॉर्मूले आप एन वन का वैल्यू वन डालोगे एंड इन टू का वैल्यू टू या फिर थ्री या फिर फोर या फिर जो भी आपको लैम्बडा मिलते जाएंगे वो सब कौन से सीरीज में बिलोंग करेंगे ओके अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकेंड शेल में राइट बाल्मर बाल्मर सॉरी कहां से करता है क्लास इसको बोलते हम लोग बाल्मर 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 सीरीज अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है थर्ड में कहां से फोर फाइव क्लास कितना हो सकता है ये इंफाइनाइट हो सकता है पाशन राइट अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फोर्थ में कहां से ब्रैकेट फाइव सिक्स सेवन एट किधर से भी कर रहे हो तो ब्रैकेट राइट बी आर ए सी के ई डबल टी एंड फाइनली अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फिफ्थ में कहां से ई फंड सिक्स सेवन एट नाइन आई एम वेरी रियली हैप्पी आप बहुत अच्छे से याद रखते हो You all are hardworking students. Okay, तो P fund, बराबर है? तो बस, Lyman series कौन से region में? N1 ultraviolet, बात करो, ultraviolet में. Okay, Balmer? Visible. Visible. Visible, और बाकी के सब? Infrared. बस एक question आ चुका है JWL में. कौन सा series कौन से region में? Infrared में, right? तो Visible, Lyman series ultraviolet में, Balmer visible में है. और बाकी तीन तो क्लास हम लोग कौन सा सीरीज देख पाएंगे अपने आंखों से हाइड्रोजन बाल्मर 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 बिकॉज़ दैट ओनली कम्स अंडर विजिबल रीजन विजिबल ओके क्लास नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आता है इफ दे आस्क यू फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन सीरीज वो कोई भी सीरीज आपके पास है लायमन बाल्मर पाशन जावे उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा तो क्लास आपको इनटू कितना लेना है मालूम है इनटू इनफिनिटी इनफिनिटी लेना राइट तो क्लास फॉर एग्जांपल शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पाशन सीरीज तो पाशन सीरीज बोला तो इसका n1 हमेशा क्या होगा थ्री होगा ना थ्री थ्री एन1 थ्री नहीं है तो पाशन सीरीज होगा नहीं क्लास सीरीज का नाम कौन से करता है n1 डिसाइड करता है राइट यस यस और यहां पे इनटू कितना लोगे आप इनफिनिटी इनफिनिटी तो आपका फार्मूला आएगा वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इनटू z स्क्वायर
तो R into, ये भी क्वेश्चन जेई का पूछा गया क्वेश्चन है 1/9 दैट्स इट आर यू क्लियर क्लास का आपको पूछता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन गिवन सीरीज n1 1 आएगा और n2 इंफिनिटी नहीं यहां पे n1 आप यहां पे n1 तो आपको सीरीज से पता चलेगा कौन सा सीरीज आपको पूछा है उसका नेक्स्ट वैल्यू यहां पे n2 होगा n1 plus 1 n1 plus 1 next value n1 plus next value n1 plus 1 for example balmer series longest wavelength balmer series n1 2 and 2 3 to pe balmer series bola to n1 hamesha 2 hi hona chahiye barabar yes or n2 yes. 3 plus 1 that is equal to 3 तो यहां पे लैम्डा का वैल्यू आएगा 1 अपॉन लैम्डा विल बी r into z स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा चार ऑप्शन में से कोई आपका आंसर होगा आर यू क्लियर क्लियर n1 plus 1 कैसा आया क्या सर नहीं समझे n1 plus 1 देखो आपको क्या पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है ना तो तुम्हें यहाँ पे अगर सबसे बड़ा वेवलेंथ कौन सा फाइंड करना है तो n2 का वैल्यू उसका नेक्स्ट डालोगे तो ये अगर देखो मैं n2 का कितना डालता हूँ समझो 4 डालता हूँ तो मुझे लैम्डा का वैल्यू कम मिलेगा उससे 3 से कम मिलेगा बराबर है दो मैथमेटिक्स है तो अगर आपको हाईएस्ट वेवलेंथ चाहिए तो n2 का वैल्यू लोएस्ट होना चाहिए तो लोएस्ट वैल्यू कौन सा है बालमर सीरीज में 1/λ है ना तो लोएस्ट कौन सा है n3 है तो उससे अगर 3 अब 3 से बड़ा वाले लोगे लैम्डा छोटा आएगा आपको आर यू क्लियर और क्वेश्चन क्या पूछा आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है बराबर है एनी डाउट आपको सब डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले बताओ मुझे जिसने क्वेश्चन पूछा था सर आपका डाउट क्लियर हुआ यस ओके गुड तो क्लास चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग रैंडम में आपको क्वेश्चन पूछूंगा आप मुझे आंसर दोगे थोड़ा छोटा करते हम लोग आपको स्क्रीन दिख रहा है ना इसको हम लोग प्रीव्यू से ओपन करते हैं ओके ये नोट्स आपको मिला है क्लासेस से यस 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 एक काम करके थोड़ा जगह चेंज करते हैं बेटर रहेगा नाइस एम्प्लॉय को मॉडल क्लास क्वेश्चन 11 ट्राई कर सकते हो आप क्वेश्चन 11 यस सर डी ऑप्शन आएगा 1.5 इनटू 10 टू 15 पर सेकेंड डी ऑप्शन आपने ऑलरेडी किया है क्या पहले यस सर किया यस गुड फॉर्मूला बोलो सी इज इक्वल्स टू लैम्बडा sorry wave number hai na 1/λ hai wave number diya right 1/λ theek hai karte hain question 11 karte hain hum log chalo sabke liye karte hain to question 11 wave number diya aapko kitna diya 5 into 10 to the 6 to plus 1/λ kya hota hai wave number right yes yeah. simply dusra nahi chalo ek teaser icon to plus c is equal लैम्डा इनटू न्यू बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा बराबर ना चलो और क्लास 1 सी दैट इज सी इनटू 1/λ 1/λ क्या होता है 1/λ क्या होता है न्यू बार होता है राइट वेव नंबर होता है
c into nu. What is the velocity of light? What is the velocity of 3 into 3 into 10 raised to 10 raised to 5 into 10 raised to 6. Okay, 15 into 10 raised to 14, right? So 1.5 into 10 raised to 15. Simple, da? Everyone? Yes. Yes, sir. Okay. Yes. 12 वाला, 12 वाला करो. नहीं, 12 वाला आप कर पाओगे. 13 वाला करो. तो क्लास मैं 12 वाला आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ठीक है? और नहीं आता आंसर क्लास, जो भी नहीं आता मैं हूँ यहाँ पे, आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. क्लास इसका आंसर नहीं आ रहा, आप सॉल्व करो हमारे लिए, ठीक है? और आप खुद ट्राई करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा. तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 13. तो लॉरेंट्ज़ फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एच इनटू न्यू, राइट? द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, राइट? क्लास आप कर रहे हो? सी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू क्लास. तो प्लस सी इज ऑलवेज कांस्टेंट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी ऑलवेज? 3 इनटू 10 टू 10 रेज़ टू 8 प्लस कंसीडरेशन के लिए, सबके लिए ना? यस यस. प्लस कैन आई राइट लैम्डा 1 इनटू न्यू 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इनटू न्यू 2 चलेगा? हां या ना? ठीक है, आप वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर भी 3 इनटू 10 आने वाला है, इसका आंसर भी उतना आने वाला है, हां या ना? Because C is what? Constant. ये समझा है नहीं समझा पहले बोलो फटाफट. Yes sir. Yes. Okay. Because C क्या है? C constant है, right? C is constant. C cannot be changed. Because C constant है, तो आप कोई भी wavelength को frequency में multiply करो. Cancel हो जाएगा. तो cancel into raise नहीं होना लगा. तो class आपको किसका ratio पूछा है? The ratio of U1 by U2. Frequency of U1 by U2. U1 by. सर 1.9:1 आया, 1.9:1 करते हैं देखो रेशियो ऑफ. यस सर 1.9 आ रहा है. देख करते हैं रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. तो आपको न्यू 1 अपॉन न्यू 2 फाइंड करना, राइट? यस. लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1. लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1. तो लैम्डा 2 कितना है? 760 बराबर है. 760 बाय 400 अपॉन 400 19 by 10 by 10 20 by 10 20 क्लियर है आपको कैसे क्या हम लोगों ने? Yes. 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 Good. Class 16 को शब्द के लिए मैं homework देता हूँ. ठीक है? 17 भी homework लो. Easy है, बहुत ज़्यादा easy है 16-17. चलो कुछ question numerical based solve करके देखते हैं लोग. Third. Try 23rd. What is formula of radius? 0.529 into n square upon z, right? Angstrom. So radius is directly proportional to n square for a given item. But yes. इतना भी करने की जरूरत नहीं है. Plus मेरा आवाज आ रहा है आपको? Yes. तो क्या अगर R1 find करोगे आप? आपको radius of first orbit r0 0. What is r0 value? 529 into 1 square upon 1, right? What is the value of r? Sir, c option aega 16 into r0. Very good. 0.529 into
फोर स्क्वायर बराबर है ना बच्चों लोग यस फोर स्क्वायर बाय वन बाय वन तो प्लस आर फोर अपॉन आर वन से कितना आएगा 16 बाय वन अगर रेशियो हो गया बराबर है आर फोर अपॉन आर से रेशियो हो करके देखो अब करो खुद मैं रुकता हूँ 16 टाइम्स आर नॉट 16 आर नॉट बराबर है तो सर ये आर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना आर नॉट इनटू एन स्क्वायर बाय जेड चलेगा ना वही बोला मैंने तो 16 इनटू आर नॉट ऑप्शन ऑप्शन सी बराबर है यस सी ऑप्शन यस प्लस 24 प्लस जानबूझ के आपको इतना दिमाग खराब किया है उन्होंने ये सब डेटा का जरूरत है ही नहीं बिल्कुल मालूम है आपको प्लैंक कांस्टेंट मास वगैरह चार्ज ये सब नहीं क्योंकि ये सब ना फॉर्मूला में इंक्लूडेड है आई होप यू अंडरस्टैंड तो आर टू विल बी इक्वल टू बोलिए सर 2.12 एंगस्ट्रॉम 0.529 इनटू 2.1 इम्पोर्टेंट क्या होता है आपको मालूम है कि आप कैलकुलेशन कितने फास्ट करते हो प्लस ये ना पूरा स्पीड गेम है कौन सा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर मैं आपको 3 घंटे देता हूँ इक्वेशन करने के लिए आप सोच सोच के कुछ तो करोगे पर आपको मैं 3 सेकंड देता हूँ 30 सेकंड तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है वो तो आप जितना टाइम बचा सकते हो वो आपका मार्क्स बढ़ाएगा क्वेश्चन 25 ट्राई करो क्वेश्चन 25 वन अपॉन लैम्डा फॉर्मूला बोलो आर इंटू जेड स्क्वायर राइट one upon n1 square minus one upon n2 square यहाँ पे n1 कितना है कहाँ से कहाँ पे जा रहा है third नहीं class n1 हमेशा lower energy होता है n2 हमेशा higher होता है याद रखो हमेशा lower वाले को n1 लोगों और higher वाले को n2 लिखना sir इधर from 5 to 3 दिया है ना चलेगा ना तो class वहाँ पे क्या होगा वो 3 to 5 जाएगा तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और 5 टू 3 जाएगा तो उतने का फोटोन क्या करेगा वो इमिट करेगा इमिट करेगा वही रहेगा आर यू गेटिंग यस यस यहां पे से भी फोटोन एब्जॉर्ब होगा और यहां पे ये फोटोन इमिट होगा इतना डिफरेंस रहेगा बस फार्मूला चेंज नहीं होगा आई होप इट इज क्लियर यस अगला आर का किसको याद है अभी भी 1.09 10^7 राइट एटम का नाम क्या है कौन सा एटम है यहाँ पे हाइड्रोजन 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर 1.09 × 10^7 प्लस यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट है अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है 1/9 माइनस 1/25 राइट तो 1.28 आएगा 1.28 × 10^-6 हाँ ठीक है मुझे बताओ 25 माइनस 9 अपॉन प्लस 9 25 था 25 9 था 225 माइनस 9 16 1.09 × 10^7 × 16 ना यस अपॉन 225 Because lambda will be equal to 225, right? Yes. Upon
16 into 1.09 into 10 raised to 7 करो कितना आता है अप्रोक्सीमेटली प्लस आपको सिर्फ पावर देखना है प्लस ऐसा कौन सा ऑप्शन जो माइनस सिक्स के पावर में है ऑप्शन ए लगता है मुझे सर अगर पावर सेम रहेगा तो क्या पावर सेम रहेगा तो कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेटेड नहीं सर आवाज कट रहा है पूरा यस ब्रेक हो रहा है हेलो स्टूडेंट्स आवाज आ रहा है मेरा अभी यस सर हां शायद बोलना यस सर बोल चला गया था हां सो क्लास ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे चैप्टर का ओके